सर? जी सर, बता दूं कि ये अभी से 15-20 मिनट पहले की लेटेस्ट अपडेट है कि वायुसेना का हेलीकॉप्टर अपने गंतव्य स्थान से जा रहा था, तकनीकी कारणों से कुछ दिक्कत आई जिसको पायलट द्वारा इमरजेंसी खेतों में लैंडिंग करवानी पड़ी, जिससे मौके पर ग्रामीणों की भारी तादाद में भीड़ जमा हो गई। और अभी हमारे प्रशासन से बात हुई, प्रशासन भी अभी मौके पर पहुंचा नहीं है, पहुंच रहा है। और पायलट हमारे वहां सूत्र हैं, सूत्रों के मुताबिक जो पायलट से बात हुई, पायलट ने ये बताया है कि तकनीकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। जी, ये कौन सा हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है और क्या किसी तरह का कोई नुकसान, कोई हानि तो नहीं हुई है पुखराज? ये खुला खेत है, मैदान टाइप खेत है, उस खेत में लैंडिंग करवाई गई है, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। तीन पायलट युवा पायलट जो ये हेलीकॉप्टर सेना का एक हल्का तरह का हेलीकॉप्टर है जो अपने ऐसे जगह पर सेना के लिए जो सामान इमरजेंसी सेवा में ले जा सकता, इस प्रकार का एक सेना का हेलीकॉप्टर है जो तकनीकी वजह से नीचे उतारा गया। जी फिलहाल क्या कुछ कमी इसमें तकनीकी तौर पर आई, इस बात की कोई जानकारी या फिर ऐसी इमरजेंसी? हमारे सूत्रों के मुताबिक जो पायलट से बात हुई है, पायलट ने हमें हमारे सूत्रों को ये बताया है कि तकनीकी वजह है, वापस वो हमारे उच्च अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, जो तकनीकी खराबी आई है उसको लेकर, इसको लेकर कुछ देर में और अपडेट हमें आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल साचौर का प्रशासन है वो मौके पर नहीं पहुंचा है और ग्रामीणों की भारी तादाद में वहां पर भीड़ है, और इसको लेकर पुलिस से हमारी भी बात हुई लेकिन अभी तक वो मौके पे पहुंच नहीं है। जी बिल्कुल, तस्वीरें पुखराज क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मौके पर दर्शकों, जो गांव के लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि ऐसे में जब किसी गांव के इलाके में खेत में इमरजेंसी लैंडिंग इस तरह की हेलीकॉप्टर्स की होती है तो फिर जाहिर तौर पर ये आकर्षण का केंद्र भी बन जाता है, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी भी जागती है कि आखिर क्या कुछ वजह रही इस हेलीकॉप्टर के नीचे अचानक से लैंड करने की, ये भी जाना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन पुखराज सवाल यहाँ पर यह है कि ये इलाका ही कैसा है और कहाँ ये हेलीकॉप्टर जा रहा था, कहाँ से इसने उड़ान भरी थी, किसी तरह की कोई जानकारी पायलट ने वहां पर दी हो? पायलट ने हमें ये बताया कि ये हमारे जो सोर्स होते हैं उसके मुताबिक हमें पायलट के थ्रू ये ज्ञात हुआ है कि ये इनका रूटीन जो एरिया होता है, जो साचौर का फाचौर से ये रोज का इनका एक रूटीन होता है, उस आना जाना रहता है, जो इधर गुजरात से वापस बॉर्डर जो सीमा फाचौर के नजदीक ही गुजरात पाकिस्तान का बॉर्डर समीप पड़ती है, इसलिए रूटीन में इनका चलता रहता है, उस वजह से चलते हुए कोई तकनीकी दिक्कत आई है। जी पुखराज आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस बातचीत।